हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट कैसे यूज़ करनी होती है, क्या इसकी डोज होती है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों, अनवांटेड किट एक अबॉर्शन किट होती है जिसकी मदद से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इस किट के माध्यम से कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों इस किट के माध्यम से मैक्सिमम 42 डेज की प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 45 डेज कैसे काउंट होंगे। तो देखिए, 45 डेज काउंट करने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसके प्रेगनेंसी के दिनों को काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लास्ट महीने की जो पीरियड्स की लास्ट डेट थी तब से लेकर के अब तक जितने भी दिन हैं उनको काउंट कर लीजिए, वही आपकी प्रेगनेंसी के दिन काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी के जो दिन हैं उनको काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अनवांटेड किट में इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और ये टैबलेट कैसे खानी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवांटेड किट में टोटल 5 टैबलेट होती हैं। जो पहली टैबलेट होती है वो होती है मिफेप्रिस्टोन और बाकी की जो 4 टैबलेट होती हैं वो होती है मिसोप्रोस्टॉल की। अब बात करते हैं इसको कैसे खानी होती है और इसके खाने का सही तरीका क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन टैबलेट्स को कैसे खाना है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वो पूरी पूरी किट खा जाते हैं और उसके बाद भी उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उस तरीके से खाएंगे तो आपको आसानी से आपके पीरियड्स आ जाएंगे और प्रेगनेंसी रिमूव हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कैसे खानी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन की होती है, मान लीजिए आज से आपको स्टार्ट करना है तो आज रात में हल्के गुनगुने दूध के साथ ये बड़ी वाली टैबलेट आपको ले लेनी है। उसके बाद 24 घंटे वेट करना है, कल के दिन सेम इसी टाइम पे इन चारों में से कोई दो टैबलेट एक साथ आपको ले लेनी है, क्योंकि चारों टैबलेट सेम होती हैं। ठीक है, तो इन चारों में से दो टैबलेट ले लेनी है। दो टैबलेट लेने के बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टैबलेट नहीं लेनी है, फिर रात में एक टैबलेट लेनी है और उसके अगले दिन मॉर्निंग में एक टैबलेट फिर ले लेनी है। तो इस तरह से ये पांचों टैबलेट खा लेनी है और इस दौरान आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पीरियड जैसे आते हैं उस तरह से पीरियड्स थोड़ा आएंगे और ब्लीडिंग थोड़ा हैवी होगी, पेट में दर्द भी आप महसूस कर सकते हैं और वीकनेस भी महसूस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करेगी टैबलेट। तो इस टैबलेट को खाने के बाद लगभग 4 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग होगी, पेट में दर्द होगा, कमजोरी लगेगी। टोटल कहने का मतलब ये है कि 5 दिन की ये पूरी प्रोसेस लेता है प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। हालांकि आपको कुछ और दिन भी एक्स्ट्रा पीरियड्स आने की शिकायत हो सकती है, बट वो नॉर्मल है, हर किसी को आते हैं और किसी को नहीं भी आते हैं। बट टोटल प्रोसेस 5 दिन की होती है, 5 दिन लगते हैं आपकी प्रेगनेंसी रिमूव होने में। और जब प्रेगनेंसी रिमूव हो जाएगी तो आपका जो ब्लीडिंग है वो एकदम साफ आने लगेगा और धीरे धीरे ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इस तरह से ये टैबलेट काम करती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप ये टैबलेट खा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में बातें रखनी है। तो पहली बात तो आपको पेट में दर्द होगा, दूसरी चीज़ ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकती है, और तीसरी चीज़ जब भी नेक्स्ट टाइम से आपके नेक्स्ट मंथ से पीरियड्स आएंगे वो अनियमित हो जाएंगे। पीरियड्स 2-4 दिन पहले भी आ सकते हैं या 2-4 दिन बाद में भी आ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर के कभी घबराइएगा नहीं कि आपके पीरियड्स लेट हो रहे हैं या जल्दी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत है। इस टैबलेट को खाने के बाद ऐसा अक्सर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अनवांटेड किट को लेकर के छोटी सी वीडियो, और वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।